राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। देखिए आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हो ये ड्रेस कितनी ज़्यादा कलरफुल और कितनी खूबसूरत लग रही है ना। इसके साथ ही साथ हमने लड्डू गोपाल जी के लिए नैपी भी बनाई है। देखिए इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है और ये आसानी से लड्डू गोपाल जी को हम पहना सकते हैं। इसमें ऊपर की तरफ से हमने यहाँ पर इलास्टिक लगाई हुई है। देखिए ये ड्रेस बिल्कुल न्यू पैटर्न पे है। यहाँ पे दोनों तरफ से हमने डोरी लगाई हुई है। देखिए हम इसको खोल देते हैं पहले डोरी को। डोरी खोलने के बाद हमें देखिए लड्डू गोपाल जी के गले में इसको इस तरीके से डाल देना है और फिर दोनों तरफ से डोरी बांध देनी है। इसको लड्डू गोपाल जी को पहनाना कितना आसान है ना। इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो से रिलेटेड या फिर ड्रेस से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। चलिए अब हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हमने व्हाइट कलर के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है। इसकी देखिए हम यहाँ से यहाँ तक हमने जो टोटल लंबाई रखी है वो हमने 13 इंचेस यानी कि 13 इंच रखी है और इसकी जो हमने ये चौड़ाई रखी है वो हमने 3 इंचेस यानी कि 3 इंच रखी है। ये ड्रेस हम 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं, तो ये जो मेज़रमेंट है ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए है। अगर आप इससे बड़े नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो ये जो हमने लंबाई रखी है इसमें आपको 1-1 इंच ऐड करते जाना है और ये जो हमने चौड़ाई रखी है इसमें आपको 1/2 इंच ऐड करते जाना है। देखिए चोली बनाने के लिए हमने ये जो चौड़ाई ली है 3 इंच की वो हमने ज़्यादा ली है क्योंकि हम इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से डबल फोल्ड करेंगे, तो इसीलिए हमने इसकी चौड़ाई 3 इंच रखी है। अब देखिए ऊपर की तरफ से हमें इसको एक बार ऐसे फोल्ड करना है और एक बार और ऐसे फोल्ड कर लेना है। ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हमें नीचे की तरफ से भी इसको डबल फोल्ड करते हुए ऐसे सिलाई लगा लेनी है। पहले देखिए इसकी चौड़ाई 3 इंच थी ना, अब जब हमने दोनों तरफ से डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा ली है तो जो इसकी टोटल चौड़ाई है अभी वो 1.3 इंच हो गई है। अब हमने देखिए ये ग्रीन कलर का लेस ले लिया है, इसको हमें यहाँ से रखते हुए इस तरीके से यहाँ तक लगा लेना है। अब हमने ये देखिए गोल्डन कलर का टिश्यू रिबन ले लिया है, इसको हमें इस तरफ से रखना है ऐसे और सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। अगर आपके पास टिश्यू रिबन नहीं हो तो आप कोई भी गोल्डन कलर की लेस भी यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर आप शॉर्टन रिबन भी लगा सकते हैं। अब देखिए हमने ये रेड कलर की लेस ले ली है, इसको हमें यहाँ से रखना है और ऐसे बीचों बीच में इस तरीके से लगा लेना है। अगर आपके पास इसमें की लेस नहीं हो तो आप कोई भी रेड कलर की लेस यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं। अब हमें इसको देखिए बिल्कुल बराबर करते हुए ऐसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ बीचों बीच से इसको कट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे। ये जो हमने टिश्यू रिबन लगाया है ना, इसको हमें अंदर की तरफ से रखना है और यहाँ नीचे से हमें एक के ऊपर एक रखना है इसको इस तरीके से और यहाँ से यहाँ तक इसको सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से देखिए हमें इस तरफ से भी एक के ऊपर एक रखना है, थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, और इधर से भी सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ से सिलाई लगाएंगे हम दोनों साइड से यहाँ से जॉइंट करने के बाद। अब देखिए हमें इसको यहाँ से एक के ऊपर एक रखना है इस तरीके से और यहाँ से सिर्फ 1 इंच ऊपर तक इस पर सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेना है। ऐसे ही हम दोनों साइड से जॉइंट करेंगे इसको। हमने इसको दोनों साइड से देखिए जॉइंट कर लिया है। अब हमने व्हाइट कलर के फैब्रिक में से 2 पीसेस ले लिए हैं। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो हमने 14 इंचेस यानी कि 14 इंच रखी है और इसकी जो हमने ये लंबाई रखी है वो हमने 4 इंचेस यानी कि 4 इंच रखी है। अब यहाँ नीचे की तरफ से पहले देखिए हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे और सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हमें इस पर नीचे की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही हम दोनों पीसेस में डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमने फिर से ये ग्रीन वाली लेस ले ली है, इसको हमें यहाँ नीचे से रखना है और यहाँ से यहाँ तक दोनों पीसेस पर लगा लेना है।
अब हमें ये रेड वाली लेस ले लेनी है फिर से, और देखिए इसको इसके ऊपर रखते हुए जहाँ तक हमने ग्रीन वाली लेस लगाई है उसके ऊपर से रखते हुए यहाँ से यहाँ तक लगा लेना है। ऐसे ही हम दोनों पीसेस पर लगाएंगे। अब हमें इन दोनों तरफ से भी इसको डबल फोल्ड करते हुए इस पर ऐसे सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही दोनों पीसेस में हम चारों कॉर्नर से सिलाई लगाएंगे। अब हमें इसको देखिए ऐसे रखना है और ऐसे बिल्कुल पास पास में पतले पतले से प्लेट्स डालते हुए देखिए एक के ऊपर एक करते हुए इस पर हमें यहाँ ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। इसकी चौड़ाई हमें चोली की यहाँ की जितनी चौड़ाई होगी ना उतनी ही चौड़ाई हमें यहाँ पर सिलाई लगा के इसकी भी रखनी है, क्योंकि हम इसको इसमें जॉइंट करेंगे तो जितनी इसकी चौड़ाई है यहाँ की चौड़ाई भी हमें प्लेट्स डालते हुए उतनी ही रखनी है। हमने दोनों पीसेस में देखिए चुन्नट डाल लिया है। अब देखिए हमें ये चोली लेना है, इस पर हमें ये इसको पलट कर रखना है, पीछे की तरफ से रख रहे हैं हम इस पर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए ऐसे बराबर करते हुए इस पर सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेना है। इसको फिर हम ऐसे पलट लेंगे और दूसरा वाला पीस लेंगे, इसको भी देखिए पीछे की तरफ से ऐसे रखेंगे और इधर की तरफ से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। ऐसे ही हम दोनों पीसेस जॉइंट कर लेंगे। दोनों साइड से इसको जॉइंट करने के बाद अब देखिए हमें इसको ऐसे रखते हुए यहाँ ऊपर की तरफ से एक एक सिलाई चला लेनी है दोनों तरफ से, जिससे कि ये अच्छे से बैठ जाएगा। अब हमने देखिए रेड कलर की डोरी में से चार पीसेस टोटल कट कर लिए हैं। इसकी जो हमने लंबाई रखी है यानी कि एक डोरी की लंबाई हमने 6 इंच रखी है, ऐसे ही हमने 6-6 इंच के चार पीसेस कट कर लिए हैं। अगर आपके पास इस कलर की डोरी नहीं हो तो आप गोल्डन डोरी भी लगा सकते हैं या फिर आप शॉर्टन रिबन भी लगा सकते हैं। देखिए पहला जो पीस है इसको हमें यहाँ पर जहाँ से हमने इसको जॉइंट किया है ना घेर को यहाँ पर रखना है और इस तरीके से जॉइंट कर लेना है, और दूसरे वाले पीस को हमें इस तरफ से जहाँ से हमने घेर जॉइंट किया है यहाँ पर लगा लेना है। ऐसे ही हम इधर भी दोनों पीसेस डोरी के लगा लेंगे। डोरी लगाने के बाद अब हमने देखिए पॉम्पॉम ले लिया है। ये रेडीमेड पॉम्पॉम है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास रेडीमेड पॉम्पॉम नहीं हो तो आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर पॉम्पॉम की वीडियो अपलोड कर रखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको बनाना देख सकते हैं। अब देखिए एक पॉम्पॉम हमें यहाँ एक डोरी पर इस तरीके से लगा लेना है और दूसरे पॉम्पॉम को हमें यहाँ पर लगा लेना है। ऐसे ही हमें इधर की तरफ से भी ये दोनों पॉम्पॉम लगा लेनी है। चारों तरफ से देखिए हमने पॉम्पॉम भी लगा लिया। अब हमें लड्डू गोपाल जी को ऐसे ये ड्रेस गले में डालनी है और पहनाने के बाद दोनों तरफ से देखिए इसको इस तरीके से बांध लेना है। नैपी बनाने के लिए हमने देखिए व्हाइट कलर के कॉटन के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है। इसकी लंबाई भी हमने 6 इंच यानी कि 6 इंचेस रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी हमने 6 इंच यानी कि 6 इंचेस रखी है। अब हमें देखिए इसको पलट लेना है और ऐसे डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। ऐसे ही हमें यहाँ चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है डबल फोल्ड करते हुए। हमने देखिए 6-6 इंच की लंबाई और चौड़ाई का पीस कट किया था ना, तो जब हमने चारों तरफ से इसको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई है तो अब इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों देखिए कम हो गई है। अब हमें इसको यहाँ बीचों बीच से ऐसे तिकोना करते हुए फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। अब हमें इसको यहाँ सेंटर से कट कर लेना है। हमें फिर से ये रेड वाली लेस ले लेनी है और इसको देखिए यहाँ से रखते हुए यहाँ से और यहाँ तक इस तरीके से लगा लेना है। ऐसे ही हम दोनों पीसेस पे यहाँ से यहाँ तक लेस लगा लेंगे। लेस लगाने के बाद अब हमें इसको देखिए सीधा रखना है और इसको पलट कर इसके ऊपर ऐसे रखना है और यहाँ नीचे की तरफ से इसको यहाँ से सिलाई लगा कर जॉइंट कर लेना है। यहाँ नीचे की तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें इसको ऐसे कट कर लेना है। अब हमने दो पीसेस कट कर लिए हैं वाइट कलर के फैब्रिक में से। इसकी चौड़ाई हमने 1 इंच रखी है और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक देखिए इसकी जितनी लंबाई होगी उसको भी हमें इतना ही लंबा रखना है। अब देखिए हमें इसको पलट कर सीधा कर लेना है और ऐसे रखते हुए ये जो हमने पट्टी कट की है ना इसको हमें यहाँ पर रख कर यहाँ से यहाँ तक जॉइंट कर लेना है। ऐसे ही हमें इसको दोनों साइड से इस तरीके से रखते हुए यहाँ से यहाँ तक जॉइंट करना है। दोनों साइड से इस पर सिलाई लगाने के बाद अब देखिए हमें इसको पलट लेना है पीछे की तरफ से और एक बार ऐसे फोल्ड करना है और एक बार और ऐसे फोल्ड कर लेना है। ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हमें इसको इस पर जॉइंट कर लेना है।
यहाँ पर एक पट्टी जैसे लग जाएगी ना, ऐसे ही हमें दोनों तरफ से कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। दोनों साइड से पट्टी ज्वाइंट करने के बाद अब हमने देखिए ये इलास्टिक ले लिया है, इसको हमें यहाँ पर रखना है और ऐसे खींचना है। देखिए इस तरीके से खींचते हुए हमें इस पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमें इसको यहाँ पर रखना है और पहले हम इसको यहाँ पे लॉक कर लेंगे, फिर ऐसे खींचते हुए देखिए इस तरीके से यहाँ तक इलास्टिक लगा लेंगे। अब देखिए इलास्टिक लगाने के बाद हमें इसको इस तरीके से पीछे की तरफ से रखना है और यहाँ से दोनों साइड से इसको सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद इधर और इधर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको हम कट कर लेंगे। हमने देखिए इस पे दोनों साइड से सिलाई भी लगा ली और एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लिया है। अब हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे। देखिए सीधा करने के बाद इसका लुक ऐसे आ जाएगा, नैपी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।